गॉड्स ओन कंट्री केरला। दोस्तों, कहा जाता है कि अगर कहीं भगवान का कोई देश है तो वो केरला ही हो सकता है। केरला एक खूबसूरत प्रांत है। यहां आपको समंदर, पहाड़, जंगल, अनेक प्रकार की विविधताएं देखने को मिल जाएंगी। केरला की सुंदरता को निहारने के लिए मैं 2019 में केरला विजिट के लिए गया। केरला वाकया में ही एक खूबसूरत डेस्टिनेशन है। मैं आपको अपनी इस पूरी यात्रा का विवरण दूंगा और आप मेरे साथ बने रहें तो आप भी केरला की खूबसूरती को एंजॉय करें। केरला जाने के लिए मैंने अमृतसर कोचुवली एक्सप्रेस की 3rd AC की टिकट्स बुक करवाई। मेरा बोर्डिंग स्टेशन जलंधर सिटी था। मेरे साथ मेरे डिब्बे में बहुत ही सिस्टर थी जो कि कॉन्वेंट स्कूल में छुट्टियां होने के कारण वापस केरला अपने गांव जा रही थी। इनमें से दो सिस्टर मेरे पहले से परिचित थी, इसलिए उनसे बातें करते हुए कब केरला का ये 2 दिन का सफर पूरा हो गया हमें पता ही नहीं चला। हमारी गाड़ी एक स्टेशन रत्नागिरी में रुकी, जो कि महाराष्ट्र का आखिरी स्टेशन था। इसके आगे केरला शुरू होना था। रत्नागिरी अपने अल्फोंसे आम के लिए काफी प्रचलित स्थान है। गाड़ी तकरीबन 20 मिनट उस स्टेशन पर रुकी। हम लोग भी स्टेशन पर उतरे और वहां से हमने अल्फोंसे आम खरीदे, जिनकी मिठास बाकी सभी आमों से अलग थी। केरला का यह रेल का सफर बहुत ही यादगार था, क्योंकि रास्ते में हरियाली, पहाड़ और लंबी लंबी टनल्स, ऐसे खूबसूरत दृश्य आपको कभी भी बोरियत महसूस नहीं होने देते। इसलिए हमारा यह सफर बड़े मजे से कट रहा था। आखिरकार हमारे सफर का अंत हुआ और हम तकरीबन 12 बजे दोपहर को कोची पहुंच गए। वहां जाकर हमने अपने होटल में चेक इन किया। मैं आज का दिन वेस्ट नहीं करना चाहता था, इसीलिए मैं फोर्ट कोची देखने के लिए चल पड़ा। मुझे किसी से पता चला कि अगर आप रोड से फोर्ट कोची देखने जाओगे तो 2 घंटे का सफर है, और अगर आप लोकल फेरी ले लोगे तो आप 15 मिनट में फोर्ट कोची पहुंच जाओगे। फोर्ट कोची कोची का पुराना शहर है। अब कोची एक बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र है, लेकिन जो फोर्ट कोची है वो पुराना कोची शहर है। उसमें देखने लायक बहुत सी पुरानी यादगारें हैं। मैंने लोकल जेटी स्टेशन से टिकट्स निकाली और हम और लोकल लोगों के साथ बोट में सवार हो गए और फोर्ट कोची के लिए चल पड़े। रास्ते में मैंने बड़े बड़े समुद्री व्यापारिक शिप देखे, जो कि कोची की बंदरगाह पर रुके हुए थे और जिन पर के सामान लोडिंग और अनलोडिंग हो रहा था। कोची की यह बंदरगाह विश्व प्रसिद्ध है। यह समुद्री व्यापार के लिए बहुत बड़ा केंद्र है।
यह 15 मिनट का सफर हमारे लिए काफी मनोरंजक था। केरला में आपको इंग्लिश का ज्ञान होना अनिवार्य है, क्योंकि वहां के ज्यादातर लोग हिंदी नहीं जानते। वो लोकल भाषा में ही बात करते हैं या फिर इंग्लिश समझ लेते हैं। 15 मिनट के सफर के बाद हम लोग पोर्ट पर पहुंच गए। वहां पहुंचकर मैंने एक थ्री व्हीलर वाले से बात की। उसने पूरा फोर्ट कोची घुमाने के लिए मुझसे 500 रुपए मांगे। मैंने उसके साथ रेट फिक्स किया और फोर्ट कोची की यात्रा के लिए निकल पड़ा। सबसे पहले मैं चर्च में पहुंचा। ये कैथेड्रल बेसिलिक चर्च बहुत ही सुंदर था। अंदर बहुत बढ़िया नक्काशी की गई थी। चर्च की खूबसूरती देखते ही बनती थी। हमने थोड़ा समय चर्च में बिताया और उसके बाद हम डच सेमिटरी देखने पहुंचे। यह केरला में डच लोगों की कब्रगाह है। यह देखने के बाद हम लोग इंडो पोर्तुगीज म्यूजियम देखने के लिए पहुंचे। वहां पर के अनेकों कलाकृतियां रखी गई थी जो के देखने लायक थी। इसके बाद मैं एक और जगह पहुंचा जो के हैंडीक्राफ्ट और एंटिक पीस के लिए काफी प्रसिद्ध थी। इस दुकान पर रखा गया हर पीस अपने आप में शाहकार था। ये काफी कॉस्टली था। हम लोगों ने कुछ एंटिक्स को निहारा और उसके बाद हम लोग इस दुकान से आगे अपनी मंजिल की ओर चल पड़े। इसके बाद मैं फोर्ट कोची की प्रसिद्ध जीव्स मार्केट में पहुंचा। मैंने एक फल की दुकान पे गाड़ी रुकवाई और वहां के कुछ लोकल फल खरीदने लगा। मैंने कुछ फल खरीदिए, उसकी पेमेंट की और उसके बाद एक मिठाई की दुकान पर रुका। मैं केरला की लोकल मिठाई चखना चाहता था। उसके बाद हमने दो डेस्टिनेशन और देखने गए जो कि बंद थी। आज का हमारा लास्ट डेस्टिनेशन था चाइनीज फिशिंग नेट। यह मछलियां पकड़ने का पुराना तरीका है। बड़े बड़े जाल जिन्हें चाइनीज नेट कहा जाता है, समुद्र में एक रस्सी से बांधकर किनारे से लटका दिए जाते हैं। उसमें मछलियां फंसती हैं जो कि काफी बड़ी मात्रा में होती हैं। मछली पकड़ने का यह पुराना तरीका आपको पोर्ट कोची के अलावा और कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगा। मैंने वहां पर कुछ पकड़ी गई मछलियां देखी और दुकानदारों से उनके बारे में पूछा। लोग यहां से ताजी मछलियां खरीद कर ले जाते हैं और घर में जाकर इनको बनाते हैं। उसके बाद नजदीक ही चेराई बीच पर हम लोगों ने कुछ वक्त स्पेंड किया। अभी तकरीबन शाम के 5 बज चुके थे।
शाम होने के कारण समुंदर की लहरें काफ़ी ऊंची थी। एक बड़ी सी शैल ने हम लोगों को भिगो दिया। अब हमारा वापस जाने का समय हो रहा था। मुझे वापस बोट पकड़कर 15 मिनट का सफर करने के बाद अपने होटल पहुंचना था। मुझे खुशी थी कि मैंने आज का ये आधा दिन भी जाया नहीं होने दिया। तकरीबन 12:30 बजे हम कोची पहुंचे थे। उसके तुरंत बाद ही 1:30 बजे मैंने बोट लेकर फोर्ट कोची पूरा एक्सप्लोर कर लिया था। अब मुझे कल अपनी केरला की आगे की यात्रा एक टैक्सी से शुरू करनी थी। शाम को हम अपने होटल पहुंच गए। खाना खाने के बाद हम लोग वैसे ही रात को घूमने के लिए निकले। होटल के नज़दीक ही वहाँ पर एक लोकल दुकान थी। वहाँ पर अनेकों शेक्स और जूस थे। मुझे वहाँ का कुलुकी शेक बहुत पसंद आया। इस शेक में वो खास तरह के बीज डालते हैं और साथ में हरी मिर्च भी शेक में डाली जाती है। हरी मिर्च का फ्लेवर शेक के साथ एक अलग ही मज़ा देता है। मुझे केरला का ये कुलुकी जूस कभी नहीं भूलेगा। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम कोची टू मुन्नार की यात्रा करेंगे।